डेंटिशन पढ़ रहे थे बेटा हम, ह्यूमन डेंटिशन। और ह्यूमन डेंटिशन में फर्स्ट कंडीशन हेटरोडॉन कंडीशन हमने पढ़ लिया था, जिसमें फोर टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार्स। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकंड डायफायोडॉन कंडीशन। डायफायोडॉन्ट कंडीशन। ओके, डायफायोडॉन्ट, डाय इट मींस टू, ओके, ओडॉन्ट मतलब टीथ। डायफायोडॉन्ट का मीनिंग हो जाता है टीथ विच इरप्ट्स ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। Teeth which erupt twice in a lifespan. Okay, तो पूरे होल लाइफ में किसी भी ह्यूमन बीइंग के मैक्सिमम टू टाइम्स टीथ आ सकते हैं, ट्वाइस। ओके, जो फर्स्ट टीथ आते हैं, फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं, उनको हम मिल्क टीथ और डेसिड्यूअस टीथ ये टर्म देते हैं। डेसिड्यूअस, डेसिड्यूअस का मतलब कोई बताएगा? सर विच आर नॉट परमानेंट, सर टेम्पररी थे। नहीं, ये तो मीनिंग हो गया कि जिस बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर। मेरा कहने का मतलब है कि लिटरल मीनिंग क्या है। अगर हम डेसिड्यूअस वर्ड का मीनिंग देखने जाए, जहां जिसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो डेसिड्यूअस आपने कहीं पढ़ा है बेटा? इसके पहले 9th-10th में आपने इकोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, तो डेसिड्यूअस फॉरेस्ट पढ़ा है? यस सर, यस सर। तो कौन से फॉरेस्ट को हम डेसिड्यूअस फॉरेस्ट कहते हैं बेटा? कौन से फॉरेस्ट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट कहलाता है सर? जिन फॉरेस्ट के लीव्स साल में तो भी एक बार झड़ते हो। वेरी गुड, ठीक है, मतलब उनमें पतझड़ होता है, मतलब कि उनमें लीफ फॉल होता है साल में एक बार कम से कम। ओके, तो एक्सीजन ऑफ लीफ, लीफ फॉल वहां पर हमेशा देखा जाएगा साल में एक बार कम से कम पर्टिकुलर सीजन में। तो उन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डेसिड्यूअस फॉरेस्ट। तो डेसिड्यूअस का मतलब होता है वहां पर फॉल होने वाला। ओके, तो डेसिड्यूअस मतलब कि वहां पर वो फॉल होगा। तो ऐसे टीथ जो आ रहे हैं लेकिन फॉल होंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, ओके, वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, वो टूटेंगे। तो डेसिड्यूअस इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं वहां पर फॉल और फॉलिंग डाउन और टेम्पररी। ओके, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, नॉट परमानेंट, टेम्पररी। इस तरह से हम इसके लिए वहां पर मीनिंग बता सकते हैं। जो फॉल होने वाले हैं, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फॉल होने वाले, ये वहां पर मीनिंग है डेसिड्यूअस का। जो फॉल होने वाले हैं मतलब वो परमानेंट नहीं रहेंगे, ऐसे टीथ को हम बोलते हैं वहां पर डेसिड्यूअस टीथ। और ये ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेंट में आने लग जाते हैं, जब बच्चे जो है जनरली मदर के मिल्क पर वहां पर नर्चर करते हैं,
ओके फीड करते हैं तो उस टाइम पर आते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मिल्क पी। ओके तो फर्स्ट टीथ ट्वाइस इरप्ट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं फर्स्ट टाइम इरप्टेड टीथ विच आर नॉट परमानेंट बेटा ये ज्यादा लाइट तो नहीं दिख रहा है आपको, तो लाइट तो नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा? नो सर। ओके गुड। फर्स्ट टाइम इरप्टेड टीथ व्हिच आर नॉट परमानेंट, ओके दैट इज टेंपरेरी टीथ कॉल्ड एज मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ। मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कब इरप्ट होना शुरू होते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसमें देखे जाएंगे, तो फाउंड इन इन्फेंट्स। ओके इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चों में। ओके ये टीथ छोटे बच्चों में देखे जाते हैं, इन्फेंट्स में। फाउंड इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में देखे जाएंगे, न्यूबोर्न बेबीज के बाद में ये आना शुरू होंगे। ओके इन्फेंट, इन्फेंट ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे जिनकी एज बहुत कम है, मतलब जो न्यूबोर्न बेबी से लेकर जिनका बर्थ अभी हुआ है, न्यूबोर्न बेबी से लेकर तो अबाउट 3-4 ईयर ओल्ड को हम इन्फेंट वहां पर कंसिडर करते हैं। ओके फिर ये उनमें इरप्ट होना शुरू होते हैं, उनमें मिलेंगे ही, और साथ में ये अबाउट 8-10 इयर्स तक भी किसी किसी में देखे जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जबकि देखा जाता है कि 4-5 साल में जो है वहां पर ये है और ये फॉल होना शुरू हो जाते हैं, उनके बदले में दूसरे टीथ परमानेंटली आना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ये जो इन्फेंट में टीथ आ रहे हैं, तो फर्स्ट टीथ कब इरप्ट होता है? तो फर्स्ट टीथ अबाउट कुछ इन्फेंट में, फर्स्ट टूथ इरप्शन, फर्स्ट टूथ इरप्शन कब होता है? तो कुछ में 6 मंथ ओल्ड बेबी में होगा, तो कभी कभार ये 2 ईयर ओल्ड बेबी में भी, उनके बीच में भी आ सकता है। तो 6 से लेकर तो 2 ईयर के बीच में इरप्शन होता है। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट 6-7 मंथ के बेबी में आ जाता है, लेकिन कभी कभार किसी में थोड़ा सा लेट आते हैं टीथ, तो वो मैक्सिमम 2 इयर्स तक पहला टूथ जो है वो आ ही जाता है। और यहाँ से फिर सभी टीथ आने का जो मतलब शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर टीथ आना है। फिर उसके बाद फर्स्ट टूथ का इरप्शन 6 मंथ में होता है जनरली। ओके अगर आपको पूछा जाए तो 6-7 मंथ के आसपास आप लिखोगे टाइम पीरियड, लेकिन एक रेंज पूछी जाए कि कहाँ से कहाँ तक आ ही जाएगा, तो 6-2 इयर्स के बीच में, क्योंकि किसी किसी में लेट होता है इरप्शन, लेट आता है। मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है फिर? टोटल नंबर ऑफ यस गुड मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ इज 20 टीथ। ओके अब इस 20 में फिर कौन कौन से टीथ आते हैं, क्योंकि 32 तो हमने पढ़ा था,
एट्रोडॉन कंडीशन में 20 में कौन कौन से है यहाँ पर? 20 में इंसिजर्स आएंगे, ओके, कैनाइंस आएंगे एंड मोलार्स आएंगे। प्री मोलार्स नहीं आते, ओके, इंसिजर, कैनाइन एंड मोलार्स, इनका इरप्शन होता है, मोलार्स नहीं आते। फिर इंसिजर, इंसिजर टोटल 4 नीचे और 4 ऊपर होते हम में, ओके, तो क्या इन्फेंट में भी जो मिल्क टीथ है वो भी इसी तरह से होते हैं क्या? यस, ये टोटल 8 टीथ बराबर आ जाते हैं, ठीक है, ये 8। कैनाइंस, कैनाइंस हम में इन 4 के इंसिजर के बाद में एक एक साइड वाइज रहता है, इसलिए 2 नीचे 2 ऊपर, तो टोटल 4, तो क्या इनमें भी 4 होते हैं? तो यस, 4 कैनाइंस यहाँ पर आ जाते हैं, 8 प्लस 4 हो गया यहाँ पर 12। अब रिमेनिंग बचे 8, जो मोलार्स है वो 8 आ जाते हैं, ओके, मोलार्स 8 आ जाते हैं, तो 2 मोलार्स आते हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड मोलार, तो 2 मोलार्स यहाँ पर आ जाते हैं, तो 2 2 2 2, ओके, मतलब लोअर जॉ में राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 प्लस 2 4, अपर जॉ में भी ऐसे 4, टोटल 8, टोटल ये हो गए 20 टीथ। प्री मोलार्स अब्सेंट होते हैं, ये आपको लिखना है, और थर्ड वाले मोलार्स भी अब्सेंट होते हैं। तो इन्फेंट्स में या मिल्क टीथ में कौन से टीथ नहीं मिलते जो एडल्ट में मिलते हैं? तो आप लिखोगे प्री मोलार्स अब्सेंट होते हैं दोनों, ओके, प्री मोलार्स अब्सेंट एंड थर्ड मोलार अब्सेंट, ओके, आंसर में। प्री मोलार्स एंड थर्ड मोलार टीथ अब्सेंट, अब्सेंट इन मिल्क टीथ कंडीशन, हाँ ध्यान रखना, मिल्क टीथ में लिख रहे हैं हम, ऑल प्रीमोलार्स एंड थर्ड वाले मोलार्स अपसेट होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन बेटा? यस सर। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा? यस सर, यस सर। ओके, तो फर्स्ट तो मेरे का मिल्क टीथ जिसमें इंसिजर आ रहे हैं, केनाइन आ रहे हैं और मोलार्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये फॉल होने वाले, और इसके बदले में इंसिजर, केनाइन और मोलार्स ये जो यहाँ पर आए थे वो ट्वाइस आएंगे, दोबारा आएंगे, ओके, तो जो परमानेंट टीथ हम पढ़ने वाले कि जो दोबारा आते हैं ट्वाइस इन लाइफ स्पैन, उनका टोटल नंबर कितना हो सकता है जो ट्वाइस इरप्ट होते हैं, कितना हो सकता है? 20, क्योंकि ये 20 पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम इरप्टेड टीथ को हमने कहा मिल्क टीथ, और उनका नंबर है 20, और ये 20 फॉल होंगे और इनके बदले में ये वापस आएंगे, तो मतलब जो 12 हम पढ़ने वाले हैं प्री मोलार्स, 2 2 2 2, मतलब 8 प्री मोलार्स एंड 1 1 1 1 चार जगह पर, ओके, वो थर्ड मोलार, 8 प्लस 4 12, ये 12 एक ही बार आते हैं लाइफ स्पैन। हमारे सभी टीथ डायफायोडोंट कंडीशन वाले नहीं है, ओनली 20 टीथ डायफायोडोंट, ओके, ये कंसेप्ट ध्यान रखो, पूरे हमारे 32 टीथ डायफायोडोंट नहीं है, 32 दोबारा नहीं आ रहे, पहली बार केवल 20 आए थे, तो ये फॉल होंगे तो इसके रिप्लेसमेंट आएंगे ना दोबारा,
तो वो 20 जो है दोबारा आ रहे हैं ये फॉल होकर के, वो हो गए ट्वाइस इरप्ट हो रहे हैं, मतलब डायफायडॉन कंडीशन वाले। तो डायफायडॉन टीथ का नंबर अगर पूछा क्वेश्चन में तो आप लिखोगे 20, वाइल जो सिंगल टाइम पर ही इरप्ट होंगे थ्री मोलार्स एंड मोलार्स, उनको हम मोनोफायडॉन बोल देंगे। फिर टाइम मतलब टू, मोनो मतलब वन, तो 12 टीथ मोनोफायडॉन होते हैं। ओके, ऐसा हम अभी लिखेंगे सेकंड में, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ये सब आपने नोट कर लिया है। नंबर ऑफ डायफायडॉन टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स ऐसा पूछा तो 20 लिखोगे, नंबर ऑफ मोनोफायडॉन टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स तो 12 लिखोगे। ओके, हमारे सभी टीथ डायफायडॉन नहीं है, ओनली 20। मोनोफायडॉन सॉरी मिल्क टीथ हो गए। अब नंबर टू वहां पर परमानेंट टीथ, परमानेंट मतलब ये आ गए हैं यहां पर। अब अगर ये फॉल हुए तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, ये परमानेंट, परमानेंट टीथ, नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टीथ। इसको हम बोलते हैं परमानेंट, लाइफ में आ गए हैं अब यही रहेंगे, ये गए तो इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। इसी को दूसरा हम बोलते हैं एडल्ट टीथ। ओके, तो जितना हम टोटल नंबर लिखने वाले 32 वो एडल्ट्स में दिखता है, एडल्ट्स में उसमें थोड़ा कम दिखता है। कौन आया? आकांक्षा। आकांक्षा का नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, आकांक्षा बार बार इंटर एग्जिट हो रही है। Those teeth, those human teeth, which erupt after fall of milk teeth. Okay, तो जो milk teeth के fall होने के बाद में जो आते हैं second time वहां पर, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। उन्हें शशिकांत, ओके, शायद किसी ने अपने पेरेंट के नाम से। तो दोस टीथ विच इरप्ट आफ्टर फॉल ऑफ मिल्क टीथ आर टर्म्ड एज परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। नाउ हमें पता है कि मिल्क टीथ का नंबर तो 20 था, तो फिर क्या परमानेंट टीथ का नंबर भी 20 होगा? हम कहेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ न्यू, पहली बार भी कुछ टीथ आते हैं। कौन से टीथ आते हैं पहली बार? तो वो होते हैं प्री मोलार्स एंड थर्ड मोलार। तो टोटल 32 टीथ, 20 डायफायडोंट, 12 monophyodont। ओके, आपको डायफायडॉन का तो पता है कि जो ट्वाइस इरप्ट होते तो 20, क्योंकि मिल्क टीथ 20 थे, और 12 monophyodont हो गए क्योंकि पहली बार ग्रो होंगे। तो जो 12 monophyodont है वो कौन है? वो है 8 premolars तो इंसीजर, आपको पता है इंसीजर्स कितने होंगे टोटल यहां पर? 8। देन कैनाइंस, कैनाइंस होंगे 4। देन अब प्री मोलार्स आ जाएंगे मोलार्स के पहले, 4 ये हो जाएंगे
लोअर जॉ में हो गए और ऐसे अपर जॉ में फोर, तो टोटल हो जाएंगे एट मोलार्स, एट टीथ और अब बचे मोलार्स, मोलार्स तो आपको 12th लेना पड़ेगा वहां पर, ओके थर्ड थर्ड मोलार भी एक 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 प्लस फोर हो जाएंगे 12th, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 32, 32 इस तरह से 32, ओके हम कहेंगे जो थर्ड मोलार होते हैं, थर्ड मोलार्स इरप्ट यूजुअली आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज एंड कॉल्ड एज विजडम टूथ, सिंगल को विजडम टूथ, एनी को विजडम टूथ कॉल्ड एज विजडम टीथ, कल हमने इसके ऊपर बात की थी अक्कल दांत, ओके विजडम टीथ। तो इसीलिए अगर कोई कोई ह्यूमन बॉय या गर्ल है, बॉय और गर्ल उस एज इन बिटवीन 12 टू 18 इयर्स, उसमें टीथ का नंबर कितना हो जाएगा 28 टीथ, ओके एडल्सन की कंडीशन में। तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा यहाँ तक। स्क्रीनशॉट डन? यस सर। ओके तो मतलब आप जिस एज में हैं उसमें अभी आपके पास में मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास में 28 टीथ होंगे। जब हम टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं तब एक टर्म और आती है डेंटल फॉर्मूला, ओके और हम यहाँ पर दोनों के लिए डेंटल फॉर्मूले रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्ट टीथ एंड एडल्ट टीथ दोनों के एज वेल एज एडल्ट के। डेंटल फॉर्मूली डेंटल फॉर्मूले में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखो जो डेंटल फॉर्मूला होगा उसमें हम जो भी डेंटल फॉर्मूला हो उसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके जैसे मैंने यहां पर रेड कलर की लाइन फिर से ड्रॉ कर रहा, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है लाइन के अबव हम लाइन के अबो अपर जॉ के टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन के बिलो लोअर जॉ के टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है सबसे पहले समझ में आया, ठीक है ये ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि ये कोई डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं की, ओके नहीं तो फिर आप ऐसा करोगे कि हमने कहा कि अपर जॉ में 16 टीथ है, लोअर जॉ में 16 है, 16 बाय 16 1 आंसर आ गया 1, सर डेंटल फॉर्मूले का आंसर आ गया 1, ऐसा नहीं करना है बच्चों जैसा, ठीक है मैं आपको इसीलिए पहले समझा रहा हूं
कि ये कोई हम यहाँ पर डिवीजन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, ओके, हम कोई छोटा मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर टीथ का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बोला, हमने वैल्यू रखी और आंसर आ गया वन, हमेशा वन ही आएगा फिर आंसर, क्योंकि जितने अपर जॉ में टीथ को कंसीडर करेंगे उतने ही लोअर जॉ में टीथ होते हैं हमारे पास में, ओके, चाहे मिल्क टीथ की बात करें, एडल्सन की बात करें या एडल्ट टीथ की बात करें, परमानेंट टीथ। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कभी भी इसका डिविजन नहीं करना है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन बॉर्डर है एक तरह से, जिसके ऊपर के टीथ, ऊपर जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनको हम अपर जॉ के टीथ होंगे, और जो नीचे रिप्रेजेंट करेंगे बिलो द लाइन जो होगा वो लोअर जॉ के टीथ रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, ये आपको ध्यान देना है। एक सेकंड, ये क्लियर हो गया होगा, ये लाइन किस लिए ड्रॉ की। अब डेंटल फॉर्मूला लिखना है हमको, सिंपल अरेंजमेंट नहीं बताना है टीथ की, अरेंजमेंट तो हम बता चुके हैं डेंटिशन में। तो ये जो हमें लाइन के ऊपर जो अपर जॉ को रिप्रेजेंट करना है, लाइन के नीचे जो लोअर जॉ को रिप्रेजेंट करना है, इसमें हम टोटल को नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हमें पता है कि जितने राइट हैंड साइड में टीथ है उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में भी टीथ है, तो सब सिमिलर है, ओके, जैसे इंसीजर 4 इंसीजर है, ओके, इंसीजर नंबर 1, इंसीजर नंबर 2, इंसीजर नंबर 3, इंसीजर नंबर 4, ओके, मैं अभी टीथ को रिप्रेजेंट करने की वजह, और इसके इसके नीचे फिर मैं ये लोअर जॉ के इंसीजर 1, 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद में केनाइन नंबर 1, ये अपर जॉ का केनाइन नंबर 1, अपर जॉ का केनाइन नंबर 2, ये केनाइन 1, K9 2 lower jaw का, ठीक है, मतलब आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, दोनों एक साथ में दिखाऊंगा तो वाश-वाश होगा, ठीक है, बहुत बड़े बना दिए, ऐसे नहीं होते एकदम राक्षस जैसे, ठीक है, है ना, डेविल वेन जैसे। तो यहाँ पर शार्क बताया कि ताकि आपको वहाँ पर पॉइंटेड होते हैं आपको पहचान से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कौन आया है, तो ये K9 हो जाएंगे, ये अपर वालों को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, उनका लोअर वाले का रिप्रेजेंटेशन नीचे बता दिया। फिर प्रीमोलार्स, एडल्ट टीथ की बात करेंगे तो प्रीमोलार्स होंगे, तो प्रीमोलार नंबर 1, प्रीमोलार नंबर 2 इधर, ओके, प्रीमोलार नंबर 1, प्रीमोलार नंबर 2, इधर प्रीमोलार नंबर 3, प्रीमोलार नंबर 4, ओके, देन फिर उसके बाद में मोलार नंबर 1, मोलार नंबर 2, और अगर वो 18 ईयर या उसके ऊपर थर्ड उसका उसमें अक्कल आ चुकी है, बस केवल मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो थर्ड वाला मोलार मतलब उसमें अगर आ चुका है विजडम टूथ इधर लोअर जॉ में भी वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M4 मोलार, फिफ्थ मोलार, सिक्स, थ्री मोलार इधर, थ्री मोलार इधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ भी, अपर वाले में भी, अपर जॉ में भी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में थ्री थ्री मोलार, वन, टू, थ्री, इधर थ्री, इधर भी हम थ्री रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है टोटल 16 टीथ नीचे और 16 टीथ ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी अपर के लिए और लोअर के लिए, वन,
फिफ्थ वाला, इधर सिक्स्थ वाला, इधर इस तरह से। तो जब अगर हम यहाँ पर दो इंसिजर के बीच में भी अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये भी हाफ हाफ आ जाते हैं, सेम दो इंसिजर राइट हैंड साइड में, दो इंसिजर लेफ्ट हैंड साइड में, एक केनाइन राइट हैंड साइड में, एक केनाइन लेफ्ट हैंड साइड में, दो प्रीमोलार्स राइट हैंड साइड में, दो प्रीमोलार्स लेफ्ट हैंड साइड में, थ्री मोलार्स राइट हैंड साइड में, थ्री मोलार्स लेफ्ट हैंड साइड में, ओके तो ये भी सेम आ जाता है। इसलिए इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। समझ में आया बेटा? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। तो अब जो डेंटल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सेम सेम है तो उसका बार बार रिप्रेजेंटेशन क्यों करें जो रिपीटेशन है उसका, तो अलग वाले को लेंगे। तो मतलब अलग वाला मतलब क्या आ जाएगा, अपर टीथ ये लाइन के ऊपर वाले ये टीथ जितने हैं अपर जो आपके राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम उतने ही हैं, 8-8 और सेम है, इंसिजर भी दो इधर दो उधर, केनाइन एक इधर, प्रीमोलार्स दो उधर, ठीक है। तो इनका केवल हाफ अपर जॉ का और हाफ लोअर जॉ का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इंसिजर केनाइन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स ऑफ हाफ अपर जॉ, इंसिजर केनाइन premolars and molars of half upper jaw, समझ में आया? इनको represent करना है dental formula में, और ठीक वैसे ही incisor, canine, premolars and molars of half lower jaw, इसको represent करते हैं, okay? तो अब ये डेंटल फॉर्मूले फॉर फर्स्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के लिए क्या हो जाएगा डेंटल फॉर्मूले से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है कि मिल्क टीथ में क्या क्या नहीं होता। तो मिल्क टीथ में प्रीमोलार्स नहीं होते, ओके, और थर्ड वाला मोलार नहीं होता, ओके, ठीक है। मिल्क टीथ में प्रीमोलार्स नहीं होते, ना तो अपर जॉ में ना लोअर जॉ में, और थर्ड थर्ड वाले मोलार्स नहीं होते, ये लिखा था हमने। इसलिए मिल्क टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंसिजर कितने लिखूं मैं, टू, टू, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमको हाफ अपर जॉ में देखना है, टोटल उसके अपर जॉ में फोर होंगे लेकिन हाफ अपर जॉ को हम डेंटल फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हाफ अपर जॉ को ही कंसीडर करो तो 1-2 ये होंगे उसके पास, ओके, तो 2, देन 2 के बाद में केनाइन, केनाइन कितने लिखूं, 1 1 1, प्रीमोलार्स कितने लिखूं, 0 0, रियल क्योंकि आए ही नहीं है, और मोलार्स कितने लिखूं, 2 2 2, ओके, तो ऊपर हो गया 2 1 0 2। नीचे क्या लिखना है, नीचे भी सेम आएगा, सेम, ओके, तो भी सेम नंबर ऑफ टीथ है वहां पर, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नहीं, तो 2 1 0 2 2 1 0 2, ओके, ये हो गया मिल्क टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला। तो आपको पूछते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, तो आप फिर उसको रटने लग जाते हो 2 1 0 2 by 2 1 0 2, फिर अचानक से कभी कभार क्वेश्चन आ गया, अरे 2 1 0 2 by 2 1 0 2, कभी कभार इसमें प्लस का साइन लगा देता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीथ आप काउंट कर सको, 2 + 1 + 0 + 2 / 2 + 1 + 0 + 2 5/5 1 आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको पहले समझा दिया क्यों है। अब सेकंड एडल्सन के लिए बताओ क्या हो जाएगा फिर, 2 1 2 2, very good, 2 1 2 2, okay, है ना, क्योंकि उसमें three molars तो आ जाएंगे,
लेकिन मोलार्स नहीं आएंगे फिर, प्री मोलार्स आपको कंसिडर करना है, मोलार्स कंसिडर नहीं करना है। तो टू वन टू टू, ओके, टू प्लस वन थ्री, प्लस टू फाइव, प्लस टू सेवन, तो ऊपर सेवन हो गए, ठीक है, हाफ अपर जॉ में, तो अदर हाफ अपर जॉ में होगा, और टू मतलब सेवन टू जॉ फोर्टीन, तो फोर्टीन टीथ हो जाएंगे यहाँ पर अपर जॉ में, और फोर्टीन टीथ लोअर जॉ में, इससे हम टोटल नंबर ऑफ टीथ भी निकाल सकते हैं डेंटल फॉर्मूला से, क्योंकि आपको दे दिया कितने कितने टीथ। थर्ड नंबर डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट टीथ, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 5 5 1 6 2 8 8 हाफ अपर जॉ में तो प्लस और 8 हो जाएंगे पूरे अपर जॉ में कंप्लीटली 8 प्लस 8 16 टीथ और ये नीचे भी 16 टीथ अपर 16 नीचे लोअर जॉ में 16 16 प्लस 16 32 टीथ। तो बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको डेंटल फॉर्मूला पर, समझने की जरूरत है, रटते रह जाओगे तो फिर कब इसमें क्या आ जाएगा उसमें क्या आएगा नहीं समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ये डेंटल फॉर्मूला भी हो जाता है। अब लास्ट है नंबर थ्री, इकोडॉन कंडीशन। टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ये बकल कैविटी में टीथ आपके कंप्लीट हो जाएगा, जो मेजर पार्ट है टीथ के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं 11 क्लास में, तो कभी कभार आप लोग को टूथ का स्ट्रक्चर पूछ भी लेता है एग्जाम में। या फिर टीथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछे। डन बेटा? यस सर। ह्यूमन डेंटेशन में सेकंड फर्स्ट हमने पढ़ा था हेट्रोडॉन कंडीशन, फोर टाइप के टीथ शेप के बेसिस पर इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोला। डायपायडोंट में हमने देखा कंडीशन में कि 20 टीथ ट्वाइस इरप्ट होते हैं। अब है नंबर थ्री, थीकोडॉन कंडीशन। हेट्रोडॉन्ट, डायपायडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट कंडीशन, थीका, थीका का मतलब होता है वॉल, ओके, थीका और सेप्टम, सेप्टम का भी मतलब वॉल होता है। तो थीका, यहाँ पर थीका वर्ड आया है, इसे हम थीका का मीनिंग देख रहे हैं बस यहाँ पर। तो थीका इट मीन्स वॉल, ओके, तो कोई वॉल होगी जो टीथ के साथ में रिलेट करेगी, ओके, तो गम की वॉल होती है और गम की वॉल के अंदर सॉकेट्स बने होते हैं और इनके अंदर से फिर टीथ इरप्ट होते हैं, बाहर आते हैं, गम सॉकेट्स से बाहर आते हैं, ओके, तो हमारे टीथ गम सॉकेट्स को फाड़ करके, गम सॉकेट की जो मसल है उसको फाड़ करके बाहर आते हैं। थीकोडॉन कंडीशन मतलब टीथ लोकेटेड इनसाइड गम सॉकेट्स, गम सॉकेट्स, ओके, सॉकेट्स का मतलब आप लोगों को पता होगा, सॉकेट जैसे हम कोई इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो सॉकेट्स लगाते हैं, वहां से करंट को आसानी से जो है हमारे अप्लायंसेस में ले जाने के लिए जो पिन वगैरह है वो लगाने के लिए जो वहां पर होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉकेट्स। वैसे तो सॉकेट मतलब होल्स लाइक स्ट्रक्चर, गम सॉकेट, तो गम के अंदर सॉकेट्स है, होल्स बने हुए हैं, वहां से हमको टीथ दिख रहे हैं, ओके, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो पूरे गम पूरे बंद रहते हैं और बचपन में पहली बार वो फाड़ करके बाहर आती है, इसलिए पहली बार जब
टूथ इरप होता है छोटे बच्चों में, तो उनको बहुत पेन होता है, इवन बुखार आता है, ठीक है, डायरिया टाइप जैसी कंडीशन हो सकती है, लूज मोशन लग सकता है उनको, ठीक है, तो उस टाइम पर बहुत केयर करना पड़ती है बच्चों का, तो आप रेट में आप खुद बता भी नहीं सकते अगली आते में। फर्स्ट टूथ जब इरप्ट होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए क्योंकि वो गम सॉकेट को फाड़ करके बाहर आने वाला है। तो टीथ लोकेटेड इनसाइड गम सॉकेट्स, इसको हम बोलते हैं टीकोडॉन्ट। ह्यूमन बींग्स में हमेशा इसके अंदर रहते हैं गम सॉकेट के। अब हम एक टूथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम एक केनाइन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। केनाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। शार्प है चीजल से, ये हो गया केनाइन, आपको आसानी से वो दिख जाता है। लेकिन इसके बाहर की तरफ आपको एक थीन मेम्ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है, ये प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज इनेमल लेयर, एनामल। और एनामल वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, एनामल। ओके, एनामल के बाद नेक्स्ट लेयर होती है डेंटाइन की। ओके, ये जो यहां से लेकर यहां तक मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, इसको यहां से ऐसा आपको बता देता हूं कि कहां से लेकर कहां तक है डेंटाइन। सेकंड जो पार्ट है जो व्हाइट कलर का होता है, हमको टूथ इनेमल के बाद में जो अपियर होता है व्हाइट कलर का, जो हमको अपियर होता है एक्चुअल में, क्योंकि इनेमल थोड़ी सी स्लाइटली येलोइश ट्रांसपेरेंट लाइक मेम्ब्रेन है, इसलिए इसके थ्रू हमको बहुत सारा पार्ट वहां पर विजिबल होता है। तो ये जो बाहर से जो दिखता है वो पूरा ही सॉलिड होता है अंदर तक, इसलिए बाहर से ये दिख रहा है लेकिन अंदर तक ये सॉलिड है यहाँ तक, और बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो सॉलिड पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। लेकिन इनेमल को आप लिखोगे वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इनेमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। यस बेटा। सर, ये जो एनामल्स होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं ना? बेटा एक्चुअल में पूरा जो टूथ होता है उसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इस तरह की चीजें लगती है, और ये मेनली अमाइलोब्लास्ट सेल से बनते हैं। लेकिन ये पहले आप लोगों को पढ़ाया जाता था, कैल्शियम फॉस्फेट आप लिख सकते हैं वहां पर। पूरा टूथ ही जो है वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ऐसे मटेरियल से बना होता है। डेंटाइन के बाद में ये कैविटी है, डेंटल कैविटी। ओके, अंदर की तरफ कैविटी पहले से होती है, और इस कैविटी में फिर नीचे की तरफ यहां पर ये टूथ का मोस्ट ऑफ द पार्ट अब क्या है, ये गम सॉकेट के अंदर। ओके, गम सॉकेट के अंदर है ये, इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको, गम सॉकेट को रिप्रेजेंट कर देता हूं, पूरा रहता है ऐसे लाइन से ड्रॉ करो ताकि आपको लगे वहां पर गम सॉकेट यहाँ पर है। फिर दूसरा टीथ, दूसरा टूथ जहाँ पर है वहां से नया, फिर यहाँ पर गम सॉकेट यहाँ पर है, और फिर वहां से नया टीथ ओरिजिनेट हुआ। इसके अंदर की तरफ यहाँ पर इसकी रूट होती है। ओके, अंदर की तरफ रूट है, इसको हमको नहीं बनाना, रूट है यहाँ पर। तो ये
इतना पार्ट जो हमको विजिबल होता है टूथ का, गम सॉकेट के ऊपर होता है, जो विजिबल पार्ट है टूथ का, उसको हम बोलते हैं क्राउन। ओके, और जो डीपली बरीड है उसको हम बोलते हैं रूट। ओके, जो गम सॉकेट के अंदर है उसको हम कहते हैं रूट। अब ये जो कैविटी है फिर, तो यहाँ पर क्यों बनी है कैविटी? तो ब्लड सप्लाई के लिए, नर्व सप्लाई के लिए बनी हुई है। जो आर्टरी यहाँ पर आती है, ब्लड लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के, ग्लूकोज लेकर के, वो वापस वेन के फॉर्म में रिटर्न हो जाती है, CO2 लेकर के, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस लेकर के यहाँ से वापस जाती है ब्लड को लेकर। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे नर्व। तो यहाँ पर वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में ये हो गई आर्टरी, ब्लू कलर की वेन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्लैक कलर में दिखाया है वो है नर्व। ये सेंसेशन के लिए होती है। तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने अगर इनेमल, तो इसे बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण, फूड का ज्यादा रहने के कारण, ज्यादा एसिडिक फूड खाने के कारण, ज्यादा जो है फास्ट फूड खाने के कारण, यहाँ पर क्या होने लग जाता है धीरे धीरे, या फिर ज्यादा वहां पर जो मिनरल्स है उनका प्रॉपर अमाउंट में इंटेक्ट नहीं करना, या वाटर में बहुत सारे मिनरल्स की डिफिशियंसी होना, या फिर मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में आना, इनके कारण भी जो है यहाँ पर क्या होता है, टूथ पर असर पड़ता है, और कभी कभार फिर इन चीजों के कारण टूथ का डीके होने लग जाता है धीरे धीरे। तो पहले इनेमल चला जाएगा, इनेमल चला गया तो फिर डेंटाइन भी धीरे 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 जा सकता है, और इनेमल और डेंटाइन अगर चला गया तो ये कैविटी तक फिर ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेंटल कैरी, कुछ लोग कैविटी बोलते हैं लेकिन यह डेंटल कैरी, और ऐसे अगर बहुत सारे हो जाए तो डेंटल कैरीज। ओके, दांत में डंडा हो गया है, दांत खराब हो गया, उसको डेंटल कैरी बोलते हैं। फिर डॉक्टर जो है वो उसको वहां तक रूट तक पूरा फिल करके रूट कैनाल वगैरह करवा देते हैं उसको। ओके, इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर बताना है, तो कैनाइन को हमने रिप्रेजेंट किया है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। सर, यस सर, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन क्या होती है, मींस क्या होता है वो? बेटा ऑर्थोडोंटल पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन्स यहाँ पर इस तरह से हो सकती है, पेरी पेरी मतलब पेरी फेरी में प्रेजेंट है, तो जो डेंटाइन के बाहर को वाला जो लेयर होता है उसको पेरीडोंटल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके ओके सर, ठीक है, डेंटाइन का वो पार्ट जो पेरी फेरी में प्रेजेंट है ऐसे, तो जैसे अलग अलग वहां पर ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऐसे अलग अलग टर्म यूज करते हैं। अभी आप लोग को अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको किसी टूथ का स्ट्रक्चर नहीं दिया है। ओके, क्योंकि अब आपको बर्डन बहुत कम कर दिया है, लेकिन ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, देयरफॉर आपको ये बेसिक चीजें आपको वहां पर बताना ही पड़ेगी। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा हम आपको बताएं कि टीथ से रिलेटेड पूरा साइंस है वहां पर, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, और डेंटिस्ट लोग फिर उस ओडोंटोलॉजी में पूरे 4.5 साल तक जो डेंटिस्ट है BDS का कोर्स करते रहते हैं, फिर उसके बाद में 2 साल का और MDS होता है। ओके, मास्टर इन डेंटल सर्जरी, तो दांत पर ही जो है लोग 6.5 साल कम से कम पढ़ सकते हैं, और हमको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको एक लेक्चर दो लेक्चर में उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उतना कंप्लीट करना है जितना कि हमें एग्जाम में उसके बाहर क्वेश्चन ना आए, ये ध्यान देना। बुक्स लिखने वाले तो हर चीज नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको कुछ नया दिखाना है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है एटलीस्ट कि जितना हमारे एग्जाम में 100% आए उससे बाहर ना आए कुछ, तो उतना तो हमको पूरा कवर करना है जितना हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो उससे भी एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है सर।
यस बेटा सर वो जो कैविटी रहती है उसे पल्प कैविटी बोलते हैं ना बेटा, ये वाली जो है इसको बोलेंगे कैविटी को पल्प कैविटी। सर क्यों बोलते हैं उसे पल्प कैविटी? हाँ बेटा पल्प कैविटी बोलेंगे। सर क्यों बोलते हैं पल्प कैविटी? पल्प कैविटी क्यों बोलते हैं? इसका आंसर तो मुझे भी देखना पड़ेगा बेटा। यस बेटा सर क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना, पल्पी होता है इसके लिए। जैसे कि हम कोई मैंगो वगैरह खा रहे हैं तो उसका पल्प खाते हैं, तो उसलिए पल्प मतलब वो सॉफ्ट होता है इसके लिए। ये बाकी सब हार्ड है और ये सॉफ्ट है इसके लिए। हो सकता है पल्प का मतलब सॉफ्ट होता है, इसलिए हो सकता है पल्प पल्प कैविटी सॉफ्टनेस उसके कंपैरिजन में बाकी सारा पार्ट टूथ का क्या है, हार्ड दिख रहा है, टफ दिख रहा है, इसलिए उसको पल्प कैविटी बोल सकते हैं। बोलते हैं पल्प कैविटी, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हो सकता है मुझे वो पल्प का मतलब सॉफ्ट ये होता है, ये तो पक्का है, हो सकता है उसके कारण बोला जाए। ओके बेटा, यस सर। कल नहीं मिलेंगे, अब हम सीधा मंडे को मिलेंगे। कल मैं नागपुर के लिए निकल सकता हूँ मॉर्निंग में, इसलिए कल शायद नहीं मिलेंगे। अगर अगर कुछ पोस्टपोन हुआ प्रोग्राम, अगर हुआ तो, ऐसा तो नहीं है 100% श्योरिटी कि मैं कल निकलूंगा वहाँ पर, कल मॉर्निंग में इधर से निकलूंगा तो आप लोग की क्लास तो नहीं हो पाएगी, इवनिंग तक पहुँचूंगा नागपुर, तो इसलिए मंडे को ही मिलेंगे। अगर अगर बाय चांस अगर पोस्टपोन हो जाता है, ओके, अगर कोई इफ एंड बट होता है तो फिर उसमें फिर मैं आप लोगों को पहले ही आधे घंटे पहले ही वहां पर आपको बता दूंगा क्लास के बारे में। ओके, ऐसे तो आप समझ करके चलो कि बायो की क्लास कल के दिन नहीं है आपकी, मैं नागपुर के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से, तो इसके लिए। ओके बेटा, हम मिलते हैं अब मंडे को। बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बेटा।